Hello guys, welcome back to my channel. This is Rahul. Today I am going to teach you class 5th lesson 8, the Arab and his camel. Let's understand the title. यहाँ है the Arab and his camel. एक अरब और उसका एक कैमल है. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि अरब के एक व्यक्ति है और उसके पास एक ऊँट है और उन्हीं दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम वार्मर को समझ लेते हैं. वार्मर हमारा यहाँ है. पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है How many of you have pets? मतलब आप लोगों में से किनके पास जानवर हैं? Pets मतलब ऐसे जानवर जिसको हम पालते हैं. What is the name of your pet? आपके पास जो भी pet है उसका क्या नाम है? Second number question है हमारा How do you treat it? आप अपने pet के साथ कैसे treat करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं? और third number question हमारा है How does your pet respond when you love it or are angry with it? और जब आप उससे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और जब आप उससे गुस्सा करते हैं आपके प्रति कैसा रिस्पॉन्ड देता है, आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, यही थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है. तो चलिए अब हम चैप्टर में चलते हैं. यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है. इट वॉज विंटर टाइम मतलब सर्दी का समय था. एंड द विंड वॉज कोल्ड और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. An Arab was crossing the desert. Desert means रेगिस्तान. On his camel. और एक अरब का व्यक्ति अपने कैमल पे, अपने ऊंट पे सवार होके रेगिस्तान पार कर रहा था. At sunset, शाम के समय में, he got down and put up his tent by the roadside. शाम के समय में वह व्यक्ति क्या किया? उस ऊंट पे नीचे उतरकर रोड के साइड में ही अपना टेंट लगा लिया. अब आगे देखते हैं. The tent was too small for both of them. और उन दोनों के लिए जो टेंट था ना वो बहुत ज्यादा छोटा था. इतना ज्यादा छोटा था कि वे दोनों उस टेंट में एक साथ नहीं रह सकते थे. सो इसलिए द अरब वेंट इन इसलिए अरब जो था वह उस टेंट के अंदर चले गए. एंड और लेफ्ट द कैमल आउटसाइड और कैमल मतलब ऊंट को बाहर ही छोड़ दिया. आगे है हमारा द कैमल स्टूड आउटसाइड द टेंट फॉर 2 आवर्स इन द कोल्ड. यहाँ पे बता रहा है कैमल जो था वो आउटसाइड बाहर की तरफ खड़ा रहा 2 घंटों तक बाहर की तरफ ठंडे में ही खड़ा रहा. देन तब he said to his master तब वो अपने मालिक से बोला the Arab it is very cold outside वह ऊंट अपने मालिक से बोलता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है. आगे है may I put my head and neck inside the tent क्या मैं अपना सर और अपना गर्दन टेंट के अंदर ला सकता हूँ. इसे करके वह ऊंट अपने मालिक से अनुमति चाहता है. द अरब सेड अब अरब बोलता है यस हाँ ला सकते हो. अरब ने जवाब दिया एंड मूव टू अ कॉर्नर ऑफ द टेंट और टेंट के एकदम कॉर्नर में जाके वह अरब बैठ गया. द कैमल पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट. अब यहाँ पे क्या हुआ वह जो ऊंट था वह अपना सर और गर्दन टेंट के अंदर लेके चला गया. अब कुछ देर में क्या होता है आफ्टर अ शॉर्ट टाइम कुछ समय के बाद he said to his master अपने मास्टर से वह ऊंट फिर से बोलता है my head and neck are warm now अब ऊंट बोलता है मेरे गर्दन और सर अभी गर्म हो गए हैं but my front legs are cold लेकिन मेरे सामने के जो पैर हैं वे ठंडे हैं. may I put them inside the tent क्या मैं उसे भी टेंट के अंदर ला सकता हूँ. द अरब सेड यस और अरब बोलता है अभी फिर से हाँ ला सकते हो. एंड मूव टू अ कॉर्नर ऑफ द टेंट और यह बोल के अरब टेंट के और कॉर्नर में चले गए. द कैमल पुट हिज फ्रंट लेग्स इनसाइड द टेंट और वो जो कैमल था वो अपना आगे का पैर भी टेंट के अंदर लेके चला आया. ये देखिए यहाँ पिक्चर से समझाया गया है. आगे है आफ्टर एन आवर 1 घंटे के बाद He again said to his master, वो अपने मास्टर से फिर से बोलता है ऊंट Half of my body is inside the tent and half of it outside. ऊंट बोलता है कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा टेंट के अंदर है और आधा हिस्सा टेंट के बाहर है. I can't shut the door and the cold wind is coming into the tent. Both of us will catch cold. May I come in and shut the door? अब यहाँ पे ऊंट फिर से बोल रहा है अपने मालिक से कि मेरे शरीर का आधा हिस्सा टेंट के अंदर है और आधा हिस्सा टेंट के बाहर है इसलिए मैं इस टेंट का दरवाजा बंद नहीं कर सकता हूँ जिसके कारण इस टेंट में भी हवा आ रहा है और ऐसे में हम दोनों को ठंड लग जाएगी. तो क्या मैं अपना पूरे शरीर अंदर लाकर इस डोर को बंद कर दूँ दरवाजे को बंद कर दूँ. ऐसे करके ऊंट आग्रह करता है. आगे है
The Arab replied, अब वह अरब रिप्लाई करता है, नो नो यू कांट कम इन। अरब बोलता है, नहीं नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते हो। द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अरब बोल रहा है, यह जो टेंट है वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसमें हम दोनों नहीं रह सकते हैं। बट द कैमल वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड। ही कॉलमली रिप्लाइड, यस आई नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, यू कैन वॉक आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे ऊंट बोलता है, मैं यह जानता हूँ कि यह जो टेंट है हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन आप बाहर भी तो टहल सकते हैं। वो अपने मालिक को बोलता है ऊंट, आप बाहर भी तो टहल सकते हैं। He did not waste any time as well. यह कहते हुए वह थोड़ा भी समय नहीं वेस्ट किया। He went in and pushed the Arab out of the tent. और वह ऊंट खुद को टेंट के अंदर ले आया और उस अरब को उस टेंट से बाहर धकेल दिया। Then he said to him. तब वह उससे बोलता है, Oh, are you going out? तब वह ऊंट जैसे ही उसको बाहर धकेला तो उसके साथ ही यह बोल रहा है कि ओह क्या आप बाहर जा रहे हैं, थैंक यू। यहाँ पे थैंक यू भी बोल रहा है ऊंट। यू आर अ काइंड मैन, प्लीज क्लोज द डोर, इट्स वेरी कोल्ड नाइट। यहाँ पे ऊंट बोल रहा है, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, आज की रात बहुत ठंड है। इसे करके ऊंट बोला है। द अरब स्टूड आउटसाइड द टेंट स्पीचलेस। और वो जो अरब था वह टेंट के बाहर बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। और यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसके लिए भी वीडियो तैयार कर देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स, बाय बाय।